आज मैं फ़िश के पकोड़े बनाने लगी थी। ये मैंने बासा फ़िश लिए, इसको धो के रखा है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। फ़िश के मैंने ऐसे पीसेस कर लिए हैं पकोड़ा के साइज़ के। और अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन आधा टीस्पून ये डाल देंगे और आधा टीस्पून ही नमक डाल के हम इसे मिक्स कर देते हैं। ये फ़िश की मैरिनेशन हो चुकी है। फ़िश की मैरिनेशन के बाद अब इसकी कोटिंग तैयार करती हूँ, जिसके लिए बेसन, चाट मसाला, अंडा, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया कुटा हुआ, ये सब ड्राई मसाले एक बाउल में डाल लेते हैं। अब रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कोटिंग हमारी रेडी है, ये देखें इस तरह इसको घोलना है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। स्टोव पे कढ़ाई रख के उसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म होने तक चंद टुकड़े हम बेसन में डालते हैं ताकि इसको कोटिंग हो जाए। फिश को अच्छी तरह डिप कर लें। ऑयल गर्म हो चुका है, एक एक पीस करके अब हम इसमें फ़िश को डालते हैं। इस तरह मैंने एक बैच डाल दिया है। बस ख्याल रखें कि पकौड़ों को ओवरलैप नहीं होने देना, तब एक साइड से फ्राई होंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पकौड़े एक साइड से पक चुके हैं तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखें रेड रेड हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे अच्छी तरह ड्रेन करके निकाल लेते हैं। माशाल्लाह क्रिस्पी से पकौड़े बन रहे हैं। फिश पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। पकौड़ों के ऊपर चाट मसाला छिड़क कर इंजॉय करें। आप इसे चाय के साथ या मील के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मैंने तो इफ्तारी के लिए बनाया। अपनी पसंदीदा चटनी के साथ सर्व करें। अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बने हैं।